लो बजट ग्रुप के मेंबर्स का वेलकम हो गया। इंतजामिया पहुंच चुकी है फुटसॉल रेंज वापडा टाउन और हमारे साथ इस टाइम मौजूद है रिपोर्ट देने के लिए एसन चील, जो कि सुबह से मेहनत कर रहे हैं। और अभी तक अभी हमें पता चला है कि वलीद भाई ने हेलीकॉप्टर भी मंगवाए हैं, जो कि आ रहे हैं अभी इसको सुखाने। काफ़ी हद तक सुखा दिया आपने, क्या रिपोर्ट है? क्रिकेट हो सकती है, काफ़ी हद तक ये बेहतर हो चुका है और क्रिकेट इसमें अभी खेली जा सकती हाँ है जी। ये है कि बारिश की वजह से थोड़ा बहुत ग्राउंड गीला हाँ है और हेलीकॉप्टर आ रहे हैं आपको ग्राउंड खुश कर देंगे। और आपको प्रिकॉशन मैं ये दे दें, अपने सामान की और अपने हेलमेट पहन कर आएँ और गार्ड भी डबल लेकर आएँ। इंतजामिया किसी नुकसान की जो है ना वो जिम्मेदार नहीं होगी। हेलीकॉप्टर आ गया लो बजट टूर्नामेंट में, ये देखें जी, ये हेलीकॉप्टर हमारा उड़ता हुआ, ये खुश कर रहा है पानी। सिर्फ इस जगह पे पानी ज़्यादा है, बाकी आगे विकेट वाली साइड पर पानी जो है ना वो इजी है, इसलिए परेशान नहीं होना। ये देखें उड़ भी रहा है इस तरह ना, ये हेलीकॉप्टर है वलीद भाई ने स्पेशल, ये देखें वो खुश हो गया, बस अब आ जाए सारे जल्दी से बस। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज लो बजट टूर्नामेंट का 9th एडिशन था और हमने जो है अपनी एंट्री नहीं करवाई थी आज, और अब फाइनल आ गया और फाइनल की कवरेज हम देंगे लो बजट में। और फाइनल में जो टीम पहुंची है वो है एक अचानक 11 और एक है कौन सी है यंग बॉयज। और अचानक 11 में जो लड़के हैं उनमें पहला लड़का है जी कैप्टन अब्दुल मुईस, जो कि कैप्टन है अचानक 11। आप बताएं ये नाम आप अचानक 11 कैसे पढ़ा? पूरी मूसा मूसा भाई बताओ यार कि अचानक 11 आपका नाम कैसे पढ़ा और आज टूर्नामेंट में एंट्री कैसे? आपके पास आए थे, आपको अचानक हमने कहा कि भाई हमें भी एंट्री करवा दें और आप। और इनकी एंट्री आज नहीं थी और इनकी टीम भी अचानक से बनी, अचानक टीम में ये देखें जी आदि तालिब 11 है जैद भट्ट और वो सबूर जूनियर, सबूर बख्शी और कौन है हमारा और कौन रही है और कौन रही है तू भी आया नहीं मैं तो यार टूर्नामेंट करा रहा हूं मैं कब कर गया मैं कब कर गया और तो क्योंकि मेरी इंजरी है मैं खेल नहीं रहा और इसकी वीडियो नहीं बनी जिसमें तू खेला है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, व्यूअर्स को यार मिस गाइड ना करो। और अब आ गया फाइनल, हम फाइनल को देंगे कवरेज फुल और बहुत तगड़ा फाइनल होने वाला है क्योंकि यंग बॉयज जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम एंट्री रही है लो बजट टूर्नामेंट में और वो फाइनल में है, वो बैटिंग कर रहा है वो देख कौन नहीं नहीं वो ये हमारी टीम है, मतलब हमारी तो नहीं फाइनल की ये दो टीमें हैं, दोनों को सपोर्ट करेंगे हम कमेंट्री में भी और देखते हैं क्या बनता है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें, आ जाइए। हैं सरप्राइज देना है किसको? सरप्राइज देना है स्पॉन्सर होने हाँ, अगर इस मैच में सभी जूनियर ने मेडन ओवर किया तो ये शूज अब्दुल सबूर की तरफ से स्पॉन्सर। मेडन ओवर करना है, मेडन ओवर करना है, मेडन ओवर करना है बजट में से, मेडन ओवर लो बजट में से मेडन ओवर करना है। चूंकि ये व्लॉग भी अचानक बन रहा है तो इस व्लॉग का नाम भी अचानक व्लॉग रखेंगे, क्यों बख्शी? नहीं बन रहा पुत्र नहीं जी, पहला बॉल होने लगा है और अचानक 11 की पहले आई है बैटिंग और फरजाद जो कि इंडोर के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं वो इस वक्त बैटिंग एंड पर तैयार हैं। हारिस रऊफ जूनियर जो कि पहले जी 11 में खेलते थे, इन्होंने आज अपनी टीम एंटर कराई यंग बॉयज़ के नाम से और पहला बॉल करने आ रहे हैं। ओ गुड शॉट। और पिच रिपोर्ट तो आपने देख ली होगी जो शुरू में हमने दी थी, आज ग्राउंड गीला था, हेलीकॉप्टर से सुखाया गया, लो बजट टूर्नामेंट था लेकिन हेलीकॉप्टर था स्पेशल जो कि सुखाया गया ग्राउंड को। और ग्राउंड अब फुल बैटिंग बॉलिंग विकेट बना हुआ है अभी भी क्योंकि थोड़ा थोड़ा गीला है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है दो दिनों से और टूर्नामेंट हमने पोस्टपोन नहीं किया। गुड शॉट और ये बड़ी विकेट, अचानक 11 की बड़ी विकेट, अचानक 11 की बड़ी विकेट गिरती हुई और आप वन डाउन आएंगे तालिब 11 के वन डाउन प्लेयर जैद भट्ट। और आज मुझे लग रहा है बख्शी तुझे भी परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि मेन प्लेयर आपके जो ओपनर थे वो आउट हो चुके हैं। ले जी दूसरा बॉल हारिस रऊफ जूनियर। ओ जैद भट्ट थोड़ा तेज आ रहा है बॉल। और सैबी कैसा फील हो रहा है आज दूसरी टीम में खेल रहे हो तो आपको वन डाउन भी नहीं भेजा गया, अब टू डाउन पता नहीं भेजते हैं कि नहीं भेजते? मुझे लग रहा है भाई इज्जत बची भी है बची रहा लो बारी। ले जी सैबी गुजर कहते हैं आज विकेट थोड़ा मुश्किल है, बारी ना ही आए तो बेहतर है लेकिन नहीं बारी आएगी सैबी गुजर की और जैद भट्ट। पेस आ रही है भाई, पेस आ रही है, बख्शी भी दिखाएगा आज ऐसी पेस। अगर इन्होंने 25 तक स्कोर कर लिया ना 3 ओवरों में तो मेरे ख्याल से गुड इनफ होगा, क्या कहते हो बख्शी? 3 ओवरों में 25 डिफेंड करोगे? फाइनल है, बिग फाइनल। और हो सकता है चप्पो चप्पी मैच हो। और हारिस रऊफ जूनियर गुड शॉट और ये उम्दा शॉट, जैद शेख की जानिब से एक बहुत ही उम्दा सिक्का और ये सेमीफाइनल में बाहर हुए थे आप देख सकते हैं इनको और जैद शेख का बहुत ही उम्दा छक्का।
इस विकेट पर अभी जो स्कोर है वो लो स्कोरिंग चाह रहा है क्योंकि विकेट थोड़ा गीला है। वाइड बॉल, वाइड बॉल, वन अप। देखें जी, वन अप भी जाया हो गया हारी सरफ जूनियर का। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स और बॉलर का बहुत ही उम्दा ओवर। स्कोर भाईजान, एक ओवर है, एक ओवर 8 स्कोर हुआ है। मैंने जैसा कि बताया कि आज विकेट थोड़ा गीला है। देखें जी, विकेट थोड़ा नहीं, अच्छा खासा गीला। हालांकि अभी 8-10-12 मैच इधर हो चुके हैं, उसके बावजूद विकेट थोड़ा गीला है। एक ओवर 8 स्कोर हुआ है और दो ओवरों में तकरीबन 25-30 स्कोर करेंगे तो फिर फाइनल एक तगड़ा फाइनल होगा। क्योंकि इनकी बॉलिंग भी आज पूरी है। सबूत जूनियर है, जैद भट्ट है और हमजा बख्शी है। दूसरी साइड में भी बॉलिंग तगड़ी है। दूसरा ओवर करने आ गए हैं। एक ओवर 8 स्कोर। क्लोज कॉल। एक बॉल एक स्कोर, एक बॉल एक स्कोर। मूसा सन और अच्छा पिकअप शॉट था। अच्छा शॉट था लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग बॉडी लाइन पर फील्डर की जानिब से। दो बॉल एक स्कोर, इस ओवर में अभी तक आ चुका है। मूसा को छक्का करना पड़ेगा और अच्छा पिक था। रन आउट हो सकते हैं और ये मूसा रन आउट। सैबी गुजर अब जाएंगे 2 डाउन और मैच थोड़ा सा फंसता हुआ। बट साहब, जैद भाई क्या उम्मीद है कि कितना स्कोर करोगे? 30 तक। 30 तक? हाँ, जैद भट जब तक विकेट पे मौजूद है तो कोशिश यही है कि 30 तक करें, उनका भी यही कहना है। और अगर 30 स्कोर इस विकेट पे हो जाता है तो जैसी इनकी बॉलिंग है अच्छा डिफेंड होगा और बहुत थ्रिलिंग फाइनल देखने को मिलेगा। कहने लगा था और क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब। वो वेल बॉल, वन अप, बहुत ही अच्छा बाउंसर। दो चक्के करने बहुत अलग। ज़ियाद शेख बैटिंग पर मौजूद, देखते हैं और देखना होगा इस बॉल पर क्या होगा। ओए, सामने बॉल था और सिंगल। सभी गुजर आ चुके हैं स्ट्राइक पर। सभी गुजर, उम्मीद है कि ये एक दो छक्के करेंगे और अचानक 11 को अचानक से मैच में वापस ले आएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कमेंट्री पैनल में अचानक 11 के अचानक फास्ट बॉलर हमसा बख्शी, जो कि परेशान लग रहे हैं थोड़े। ये देखें, डिस्प्रेशन में नहीं जाना बख्शी, अभी सभी गुजर आया है और ये रन आउट हो सकते हैं और ये सिंगल। दो ओवर का इख्तिताम हो चुका है और सिर्फ 11 स्कोर है। इस ओवर में 14-15 स्कोर करेंगे तो बचेंगे। ओए होए, सभी गुजर पहला बॉल मिस करते हुए। अचानक 11 के फास्ट बॉलर थोड़ा परेशान। बख्शी क्या हुआ यार? कुछ नहीं होता, तुम अचानक आए थे, अचानक जा रहे हो, कोई बात नहीं। लेट्स सी 5 बॉलों पर कितना स्कोर करेंगे और बॉलर्स को डिफेंड करने के लिए देंगे अचानक 11। जी गुड शॉट, वन अप हो गया और वन अप। ओए लेग अंपायर ने दिया, तू ना करी जा रहे हैं, बहुत ऊपर था। दो बॉल एक स्कोर। ज़ियाद शेख बैटिंग पर मौजूद। बॉलर आंखें दिखाता हुआ, बॉलर आंखें दिखा रहा है भाई। ये तो भाई हैवी सीन हो गए हैं। 3 बॉल एक स्कोर। अचानक 11 थोड़ी सी परेशान होगी अचानक से, जो कि पूरी उम्मीद थी कि फाइनल में टफ टाइम देंगे, अभी तक स्कोर उस लेवल का नहीं हुआ। ओ स्लो बॉल, जस्ट अ सिंगल। अच्छा खेलते हैं। हाँ ठीक है, ले जी बाउंड्री लगना थोड़ा जरूरी हो गया अचानक 11 के लिए। और ये सभी गुजर भी रन आउट। एक अचानक वाला छीका चाहिए अचानक 11 को और फिर थोड़ा टोटल टारगेट जो हो जाएगा 20 के करीब करीब हो जाएगा और बॉलर्स को कुछ तो मिलेगा डिफेंड करने के लिए, वरना लो स्कोरिंग थ्रिलर भी हो सकता है। ओ गुड बॉल यार, सिर्फ 14-15 स्कोर हुआ फाइनल में और लो स्कोरिंग क्लियर हो जाएगा और यंग बॉयज जो कि पहली एंट्री थी
बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखते हैं अब अचानक 11 कैसी बॉलिंग करती है। आपने ब्लॉग के साथ साथ अचानक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर देना, अचानक क्रिएट करना पड़ेगा। बट साहब यार ये जो अचानक 11 ने अचानक एंट्री कराई थी और अचानक फाइनल में अचानक वीडियो भी आ गई और अचानक डिलीट भी हो जाए। बट साहब आप यार फाइनल में यार कैसे आप सेमीफाइनल आ रही हैं उसकी डिटेल दें, डिटेल दें जवाब भाई, इधर आए यार फाइनल सेमीफाइनल जो आ रहे हैं आप डिटेल्स दें। गलती हो गई, एबी 11 जो के लो बजट टूर्नामेंट की मोस्ट फेवरेट टीम है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीम है, आज सेमीफाइनल में बाहर हो गई थी वरना फाइनल इससे भी ज्यादा तगड़ा होना था। अचानक 11 पहुंच गया फाइनल में और अब देख रहे हैं जी अचानक 11 से जो है ना अचानक परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो देखते हैं आप 13-14 स्कोर डिफेंड कर सकते हैं नहीं, बॉलिंग इनकी तगड़ी है और देखते हैं। हाँ जी भाईजान कितना करना है भाईजान? 15। और क्या उम्मीद करते हैं आप कितने ओवरों में चेस करेंगे? इंशाल्लाह सिर्फ टारगेट चेस करना है। ले जी लो बजट का दूसरा पहला फाइनल है इनका तो क्योंकि इनकी अचानक बख्शी आ चुके हैं बॉलिंग पर और अगर मेडन ओवर करते हैं अपना पहला बख्शी तो फिर अचानक 11 थोड़ी मैच में वापस आएगी और पहली बॉल पे अच्छा हिट रन आउट का चांस लेंगे। ओ सिंगल। आपको बताते चलेंगे ये जो दोनों बैट्समैन हैं यंग बॉयज के इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बैटिंग की, कैच का चांस बन सकता था और डॉट बॉल, दो बोले एक स्कोर, दो बोले एक स्कोर। बख्शी को इस तरह की तगड़े बॉल करने पड़ेंगे मैच में। वाइड बॉल, दो बोले दो स्कोर। बख्शी पेस से आ रहे हैं और बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं, डिसीव करना पड़ेगा। आखिरी जो चार बोले हैं बख्शी को चार बोले डॉट ही करनी पड़ेंगी या मैक्सिमम एक या दो स्कोर देना होगा मैच बचाने के लिए। वेल बॉल, ए वेल यार बहुत आला, तीन बोले दो। 15 बोलों पर 13 स्कोर रह चुका है यंग बॉयज को जीतने के लिए और देखना होगा बख्शी अपने ओवर के आखिरी तीन बॉल किस पेस और किस लाइन से करेंगे, क्या जसप्रीत बुमराह वाला यॉर्कर और मारेंगे या नहीं। ओ वेल यार सबूर भाईजान वन अप नहीं हुआ, चार बोले दो स्कोर। हमजा बख्शी कमाल बॉलिंग करते हुए चार बोले दो स्कोर और आखिरी दो बोले देखते हैं हमजा बख्शी किस पेस से आते हैं और अच्छा रन आउट का चांस, नॉट आउट, लगा ही नहीं है नॉट आउट। पांच बोले तीन स्कोर, लास्ट बॉल, दिस कुड बी अ मैच बॉल आल्सो। 13 बोलों पर 12 स्कोर रह चुका है हमजा बख्शी बहुत ही उम्दा बॉलिंग करते हुए, मैच सेविंग ओवर हो सकता है ये क्योंकि अभी सैबी जूनियर का ओवर पड़ा है और जैद शेख का ओवर पड़ा है, देखते हैं मैच बॉल। बख्शी अचानक से आए, गुड बॉल और रन आउट का चांस, ओ गुड यार सैबी, बहुत आला, गुड ओवर यार बख्शी, एक्सीलेंट यार मैच। चार स्कोर हुआ सिर्फ बख्शी को और अब 12 बोलों पर 11 स्कोर रह गया, बहुत मैच में वापस आ चुके हैं तकरीबन अचानक 11, 12 बोलों पर 11 स्कोर चाहिए और इसी तरह का एक ओवर और करना पड़ेगा सबूर जूनियर को और फिर ये मैच जो है बहुत ही मज़ेदार और सनसनीखेज हो जाएगा, लो स्कोरिंग थ्रिलर होने जा रहा है ये मैच। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें। ले जी सबूर जूनियर अचानक से आए, गुड बॉल और बहुत ही अच्छा शॉट, लो स्कोरिंग थ्रिलर, 11 बोलों पर 11 स्कोर रह गया और सबूर जूनियर है। वेल बॉल, वन अप वन अप वन अप, दो बोले डॉट और वन अप हो गया सबूर जूनियर का, दो बोले कोई स्कोर नहीं, 10 बोलों पर 11 स्कोर सबूर जूनियर। और जैसा कि आपको बताया बैट्समैन पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं और ये बहुत ही उम्दा बॉल, ले जी तीन बोले हो गए, चार तीन बोले, शाबाश तीन बोलों पर एक, चार बोले एक स्कोर और बहुत ही उम्दा कम बैक अचानक 11 की तरफ से, दो स्कोर पांच बोले,
ऐसा मैच तो कम कम ही देखने को मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको बड़े मजे मजे के मैच दिखा रहे हैं और लो स्कोरिंग थ्रिलर दिखाने लगे। लो बजट है लेकिन आपको बताया लो बजट होता है, कंपटीशन बहुत टफ होता है और वही हो रहा है, लो स्कोरिंग थ्रिलर हो रहा है। और अभी मैच जो है तकरीबन 50-50 पे आ गया, 60-40 पर आ गया और 60% अभी जो मुझे लग रहा है वो बॉलिंग साइड पर है, क्योंकि आखिरी ओवर में 8-9 स्कोर रहता हुआ तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बैटिंग के लिए। और देखते हैं लास्ट बॉल सबो जूनियर, वाइड बॉल, ओए ये वाइड महंगा पड़ सकता है अचानक 11 को। लो स्कोरिंग थ्रिलर, लास्ट बॉल सबो जूनियर और ये नो बॉल और ये मैच थोड़ा सा फंसता हुआ। 7 बॉलों पर 6-7 विन सबो जूनियर और ये चौका और ये अचानक से मैच पलट भी सकता है क्योंकि अचानक 11 है, कुछ भी कर सकती है। लास्ट ओवर में 3 रन चाहिए, जैद शेख ओवर करने आ गए हैं, देखते हैं क्या बनता है। जैद शेख और ये रन आउट मिस या मैच मिस, उनके मेन बैट्समैन का रन आउट मिस करते हुए कैप्टन बहुत ही इजी थ्रो किया था और बहुत ही उम्दा थ्रो था सीधा हाथों में, जो के मूसा ने मिस कर दिया अचानक से। और एक बॉल कोई स्कोर नहीं, 5 बॉलों पे 3 रन तक आउट हो गया, आउट, हिट विकेट आउट हो गया। हाँ विकेट किस तरह उधर हो गया भाई जान, और आउट हो, और देखो विकेट देखो, और विकेट देखो भाई जान, विकेट देखो, हिट विकेट आउट होता है, फ्रंट अंपायर ने देख लिया। और ये मैच 4-3 यार, पहली बॉल पे यार बहुत अलग थ्रो यार, 4-3 अचानक से मैच फंसा हुआ, अचानक से इधर सब कुछ अचानक हो रहा है और मैच भी अचानक से फंस गया जो कि वन साइड हो चुका था। ऐसा आउट कम कम ही होता है, हिट विकेट, बहुत ही पैर स्लिप हुआ और हिट विकेट होगी और अब रह गया है 4-3 स्कोर। ओए कमाल, न्यू बैट्समैन ऑन द क्रीज, 4-3 स्कोर, जैद शेख बॉलिंग बहुत ही उम्दा बॉलिंग करते हुए। और ये अजुआ भाई जान, अजुआ 3-3 पर जाज अचानक से मैच फंस गया। चौका एक रुका होगा, हाँ ले जी 3-3 कमाल का फाइनल, लो बजट टफ कंपटीशन, आप भी पार्टिसिपेट करें नेक्स्ट लो बजट में और ऐसी क्रिकेट एंजॉय करें। 3-3 स्कोर, मैच फंसता हुआ, कैच कैच ड्रॉप या मैच फिर मिस फील्डिंग, ओए होए गुड यार जैद, गुड कोई बात नहीं यार, और ये कैच हो सकता था लेकिन मिस हो गया, पीछे से अभी भी नहीं पहुंच सका और एक अच्छा टूर्नामेंट का फाइनल आपको देखने को मिला। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको कल नए ब्लॉग के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।